तो मित्रों आ गया हूँ गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार पे और आज आपको दिखाने वाला हूँ पूरा नज़ारा पूरा दृश्य। और आज है 23 जून, आया थे 21 जून, 21 जून के बाद 23 जून को आया हूँ। क्या नज़ारा है, कैसा है, सब दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और देखते रहे। कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे कुछ पत्थरें अभी हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पत्थर ये लगाया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अगर आप बिरला निवास में जाना चाहते हैं और बिरला निवास में जाने का एक रास्ता यहाँ से भी है, जो कि अभी इस पर कदर उदर करना होगा, कुछ दिन में इस पर भी कदर उदर किया जाएगा। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपना कुकर्म कार्य कर दिए हैं, क्या कहा जाए, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर टॉयलेट किया गया है, पोटी किया गया है। तो बताइए, एक तरफ साफ सफाई कार्य किया जा रहा है और एक तरफ लोग हैं जो अपना कुकर्म करते रहते हैं, अब क्या किया कहा जाए उनको। बहुत तकलीफ होता है जब बनारस में इस तरह का विकास हो और लोगों द्वारा जो अपने लोग हैं उनके कुछ कामों से पूरा एकदम जो एक अच्छी खासी एरिया है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसा कि जब पहले आता था मैं यहाँ पे, तो ये जो इधर से ये खुला रहता था, ये है आपका सीवेज पंपिंग स्टेशन के अंदर जाने का रास्ता, तो ये खुला रहता था। लेकिन आज ये भी बंद हो चुका है। आप मेरी पहले की वीडियोज़ उठाकर देखेंगे तो ये खुला रहता था। देखिए यहाँ पे जाली लगा दिया गया है, तो एक बार आपको जाली से भी दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आपका जो सीवेज पंपिंग स्टेशन है, इधर देखिए हनुमान जी की मंदिर है, और हनुमान जी के मंदिर देखिए इधर से आप चले जाएंगे कॉरिडोर में
इधर से आप चले जाएंगे मणिकर्णिका घाट पे और यहाँ बजरंग बली का दर्शन कर सकते हैं। और इधर से आप चले जाएंगे, आपका रास्ता इधर नहीं है बट फिर भी यहाँ से आप मणिकर्णिका घाट पे पहुँच सकते हैं। और इधर से महादेव की कुछ मंदिरें हैं जो प्राचीन हैं, एक बार उसको भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये कुछ नया बन रहा है यहाँ पे, अब ये नया क्या है मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए जैसे कि यहाँ पे दो प्राचीन मंदिरें हैं, अब इनका भी कार्य साफ सफाइयाँ, मंदिरों की जो प्राचीनतम पत्थरों पे कलाकृतियाँ की गई हैं, अब उन कलाकृतियों को साफ सुथरा किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मतलब अच्छा है। थोड़ा सा मैं इन कलाकृतियों को आपको दूर से ही दिखाता हूँ, जो कलाकृतियाँ इस पर बनी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो प्राचीन मंदिर है, ये दोनों ही मंदिर महादेव जी की मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे आगे नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं, उस वाले मंदिर में तो नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं। और तो ये देख सकते हैं इन पे जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वो कितना खूबसूरत है और इस मंदिर को कितना ही मतलब अच्छा जो है कि देखने में लग रहा है। देखिए गलियों में भी मंदिर है, बहुत सारी मंदिरें हैं, इन पूरी गलियों में मंदिर ही मंदिर दिखेगा आपको। तो इन गलियों को भी थोड़ा सा अगर देख रेख इनका किया जाए तो और अच्छा होगा। जैसा कि हनुमान जी के मंदिर के जस्ट यहाँ से जब ऊपर आप आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक सीढ़ी गई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आप इलेक्ट्रिक सीढ़ी से जा सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको चलने में समस्याएं हैं, या फिर आप जो है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए ये रैंप बनाया गया है, वो रैंप के थ्रू ऊपर नीचे जा सकते हैं। और देखिए कम्प्लीटली आज बन चुका है, और आज ये कम्प्लीटली जो है कि आपका बन चुका है, देख रहे हैं एकदम आज मैं इधर से ही उतर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये इधर से पूरा कम्प्लीटली बन चुका है, और जैसे हनुमान जी के मंदिर के एकदम सामने निकला हूँ, यहाँ से उतरा हूँ, इधर साइड से उतरा हूँ मैं यहाँ से, और ये हनुमान जी के जस्ट बगल में मंदिर में ऊपर उतरा हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रैंप बना हुआ है, ये रैंप का नज़ारा। अब एक बार अंदर चलते हैं और एक बार आपको यहाँ से मणिकर्णिका घाट का भी दृश्य दिखा देते हैं, सामने का जो नज़ारा है वो भी आप देख लें, क्या सुंदर नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और कमेंट लाइक तो इसलिए किया कीजिए मित्रों क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, तो कमेंट आता है तो मन को एक अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो रैंप का नज़ारा है, अब देखिए रैंप तो लगभग पूरा तरीके से बन चुका है लेकिन सिर्फ इसमें बाकी रह गया है तो पत्थर और यहाँ पे कुछ साफ सफाइयाँ जो क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो ये वाइट पुट्टी इस पर किया जा रहा है आपका, तो वाइट पुट्टी कम्प्लीटली पूरा हो जाए और ये जो बत्ती है हर एक जगह जहाँ जहाँ लगना है वो लग जाए। और बात देख सकते हैं आप इन मतलब कि जो यहाँ पे इस तरीके का आपका विंडो है, मतलब पूरा एक लाइन से है, तो इनमें भी ये पत्थर लगना प्रारंभ हो चुकी हैं। और नीचे का आप दृश्य देख सकते हैं, नीचे भी काम चल रहा है। और इस रैंप की खूबी ये है कि इस रैंप को बहुत ही मजबूत बनाया गया है, और काफ़ी इतना मजबूत कि मैं जितना भी इसकी तारीफ करूं वो कम होगा। देख सकते हैं एक यहाँ पे पिलर है, एक वहाँ पिलर है और एक उसके आगे पिलर है, तो ये तीन पिलर हैं जो इस रैंप को और भी मजबूत बना देते हैं। अगर ये पिलर नहीं होते तब भी ये रैंप मजबूत था, क्योंकि ये जो आपको ये दीवार दिख रही है दोनों, ये पूरी की पूरी मोटी मोटी छड़े, सरिया, बालू, गिट्टी, सीमेंट से बनाया गया है, इसमें ईंट का यूज नहीं हुआ। तो मित्रों सच बता रहा हूँ बहुत ही मजबूती से बनाया गया है ये, मैं जब से मैं आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, और मुझे मेरे अकॉर्डिंग मेरे मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो ये बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया है। जैसा कि आप ये साथ जो पोल देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी पोल इसलिए लगाई गई है कि ये जो आपका मतलब ये बड़ा बड़ा होल है विंडो के लिए बनाया जा रहा है, और लगता है जैसे नीचे ऊपर साइड में जालीनुमा पत्थर लगाए गए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी लगाए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं जो नीचे आपका रैंप है इसकी गहराई आप देख सकते हैं कितना ये गहरा है, अगर जो इंसान समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी देखिए इस पे किनारे किनारे रेलिंग्स लगाई जाएंगी, इस पे रेलिंग्स लगाया जाएगा कि मतलब लोग नीचे ना गिरे, तो ठीक है। और जैसा भी आपको लगा हो बताइए,
अभी देखा भी देखिए इधर साइड में ग्रेनाइट बिछा दिया गया है, पूरा का पूरा इधर ग्रेनाइट लगा दिया गया है, कम्प्लीटली ग्रेनाइट लग चुका है। और यहाँ देखिए एक पिलर बीचों बीच यहाँ भी एक पिलर है जो कि आपको दिख रहा होगा, एक पिलर आपका यहाँ पे है और एक पिलर आपका वहाँ पे है और एक पिलर आपका लास्ट में है। तो तीन पिलर इस प्रकार से लगे हुए हैं और किनारे किनारे देखिए यहाँ पत्थरें जड़ दी गई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब रैंप के बाहर निकलते हैं। तो अब रैंप के बाहर निकलते हैं और रैंप के बाहर से जो नज़ारा है मणिकर्णिका घाट और बिरला निवास और रैंप के जो कार्य हुए हैं उसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये यहाँ से नीचे से आप आएंगे और ऊपर से यहाँ रैंप से बाहर निकल जाएंगे और यहीं आपको हनुमान जी की मूर्ति मंदिर दिखाई देगी। और देखिए हमको जहाँ तक ये लगता है कि ये स्टोर रूम बनाया गया है, मतलब चीज़ों को यहाँ पर रखने के लिए। जैसा कि अब मैं आ गया हूँ रैंप और बिरला निवास के बीचों बीच, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आइए सामने से पूरा नज़ारा और दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब ये जो आपका रैंप वाला बाहर का वाल है, दीवाल है, ये पूरी तरीके से बन चुका है और इधर जो आपका बिरला निवास है ये भी पूरी तरीके से, मतलब इसके इधर के जो साइड के जो काम है कंस्ट्रक्शन वाले पूरे तरीके से कम्प्लीटली बन चुके हैं, पत्थर लग चुका है। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ और जो बाहर का दृश्य है, आगे का जो दृश्य है, नज़ारा है, वो पूरा दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ इधर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये सीढ़ियाँ यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ पे एक दो इंसान तीन इंसान, दो तीन इंसान मतलब नहीं, यहाँ पे लाइन से आप 10 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, ऊपर 7 लोग बैठ सकते हैं, ऊपर 5 लोग बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो घाट बनाया है यहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं और घाट बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल साइड में है। और भी आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ 3 लाइट लगाया गया है मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में, आपका बिरला निवास है और बिरला निवास और रैम के बीचों बीच यहाँ पे 3 लाइट लगाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। की बात करूँ मैं तो देख सकते हैं ये पतली पतली सीढ़ियाँ, छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको चलने में समस्याएं होती हैं और जो रैंप से भी नहीं आ पा रहे हैं, गंगा जी का पानी जब बढ़ेगा तो रैंप तो उस टाइम में बंद हो जाएगा, तो बस सीढ़ियां चालू होंगी तो ये छोटी छोटी सीढ़ियों से आप ऊपर भी आ सकते हैं। और बात करूं तो देखिए किनारे किनारे यहाँ पर भी अब लाइट लग चुके हैं, देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा ये सफ़ेद, तो यहाँ ऊपर देखिए एक बना हुआ है, तो इस प्रकार से अब यहाँ देखिए लाइट भी लग चुका है और जल्द ही मोदी जी लग रहा है आने वाले हैं और उनकी वजह से ये कार्य और भी तेज़ी पकड़ा और कार्य बहुत ही जल्द से जल्द कंप्लीट किया गया। बिरला निवास और रैम के बीचों बीच का जो कार्य था वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट किया गया और बिरला निवास के जस्ट बगल में आपका यहाँ पे देखिए एक प्लेट लगा दिया गया है और ये प्लेट भी देखिए ये पोर्शन उछड़ रहा है, मतलब कि यहाँ से उखड़ रहा है, ये तो बतलाना होगा कि ये उखड़ रहा है ये पोर्शन। और ये देखिए पूरा एकदम रिप्रेजेंट किया गया है आपका, मतलब दर्शाया गया है आपका डायरेक्शन किधर किधर क्या क्या है, महाकालेश्वर भवन, ठीक है, जलाशयन पथ, मणिकर्णिका घाट, तो ये आपका रैंप के ठीक सामने यहाँ पे प्लेट लगाया गया है। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। तो जैसा कि मित्रों मैं रैंप एकदम ठीक सामने और जो ये आपका मलबा है इसके ठीक सामने भी खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे रैंप है। तो आइए बैक कैमरा से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं पूरा दृश्य। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये रैंप के नीचे का दृश्य है जो कि अब नीचे साइड में देखिए प्लास्टर होने लगा है और इधर देखिए पूरा प्लास्टर हो चुका है और उधर देखिए रैंप के यहाँ से आपको दिख रहा होगा इधर साइड पे ग्रेनाइट्स भी लगाई जा चुकी है और ऊपर तो ग्रेनाइट्स लगी रहा है। और देखिए ये पिलर है, ये आपका पिलर है, एक वहाँ पिलर है और एक लास्ट साइड में पिलर है, तो 3 पिलर लगाए गए हैं जो कि इस रैंप को और भी मजबूत बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। और यहाँ से आपका बाहर मतलब अंदर आने का रास्ता है, यहाँ से लोग अंदर आएंगे, ठीक है, और बाहर भी जा सकते हैं, जैसे भाई ऊपर से बहुत सारे लोग नीचे आना चाहेंगे और बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये रैंप बहुत ही आपका लाभप्रद होगा उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग होंगे, जिनको चलने में समस्याएं होंगी, जो दिव्यांग होंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी आपको एकदम सामने का दृश्य दिखा रहा हूँ और ये रैंप एकदम ठीक सामने है। पहले 2 दिन पहले यहाँ जो मलबा था पूरा यहाँ इन सीढ़ियों तक लगा हुआ था
और अभी क्या है कि आज जो मलबा है वो आधा से अधिक उधर खत्म कर दिया गया है और थोड़ा सा यहाँ पे और बाकी है तो वो भी आज कल में खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए काम कंटिन्यूसली चल रहा है। और यहाँ सामने की बात करूँ तो मणिकर्णिका घाट के एकदम ठीक सामने यहाँ पे पत्थरों पे मणिकर्णिका घाट लिखा हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इन पत्थरों पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और लोग यहाँ पे घाटों पर बैठ करके जानते हैं किसी के परिवार का जब कोई सदस्य गुजर जाता है तो क्या बीतती है। जो देखिए ये ग्रेनाइट्स के पत्थर यहाँ पे रखी गई हैं, सारी की सारी ग्रेनाइट्स की पत्थरें अंदर यूज की जाएंगी जहाँ जहाँ इसका यूज होना होगा। और रैंप देख सकते हैं पूरा का पूरा रैंप बन चुका है, पूरा एकदम ऊपर तक पत्थर लगाया जा चुका है, सिर्फ अब बाकी रह गया काम। तो ये आपका जो रैंप का काम है वही सिर्फ बाकी रह गया और पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आ गया हूँ गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार के एकदम ठीक सामने आ गया हूँ, तो यहाँ से कुछ नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ से जो नज़ारा है वो सब दिखाने का प्रयास आपको करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से जो नज़ारा है आपका मणिकर्णिका घाट पे, आप देखिए यहाँ जब मलबा हट गया है तो जो नज़ारा है वो साफ और सुथरा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा ये जो मलबा और यहाँ पे है अगर इसको भी हटा दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो आपकी गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार के इधर साइड में और इधर साइड में जो आपका ये वाला पोर्शन रैंप का है और वो वाला पोर्शन दीवार का है, इन दोनों पे आपकी इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई जाएंगी और जब ये जलेगा तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लगेगा। जो कि ये पूरा अब कम्प्लीट हो चुका है, एक समय पहले देखिए ऊपर अब कैमरा भी लग गया है, वहाँ आप देख पा रहे होंगे वहाँ ऊपर साइड में कैमरा भी लग गया है। क्या वो कैमरा ही है? मुझे जहाँ तक लग रहा है वो कैमरा ही है, क्योंकि वो ब्लैक पोर्शन जो उसका है वायर के जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है वो ब्लैक वाला वो कैमरा ही होगा। ठीक है, क्या घाटों पे देख सकते हैं यहाँ पे नाव लगना प्रारंभ हो चुका है और यहाँ से पूरा वहाँ तक पूरा एकदम एक लाइन से नाव लग चुका है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और जैसी भी मेरी वीडियो लगती है मित्रों बताइएगा ज़रूर। ठीक है, घाटों के किनारे नाव का लगना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बचपन में जब छोटा हुआ करता था तो नाव पर बैठने का बड़ा शौक हुआ करता था। जानते हैं बचपन में इंसान बहुत कुछ सोचता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो चीज़ों का उसके लाइफ से वो जो चीज़ें बचपन में सोचता था कि वो करेगा धीरे धीरे वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरत है ये पूरा। अभी देखिए मॉर्निंग टाइम में ये लाइट पूरी की पूरी पांच ये पोल लगाए गए हैं और पांचों पोल पे लाइट्स जल रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का जो दृश्य है और जो नज़ारा है वो भी आप तक पहुंचाने और दिखलाने का प्रयास करते हैं। शायद ये आपका जेटी या इसको रैंप बोलते हैं। तो अभी देखिए मैं यहीं पर खड़ा हूँ और लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करके गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार की तरफ आगे बढ़ के बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं ललिता घाट पे और ललिता घाट पे जो कार्य हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, तो आइए चलते हैं। देखिए ललिता घाट पे आ गया हूँ और यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे नीचे इंग्लिश में ललिता घाट लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो ब्लैक 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 पोर्शन दिख रहा है, हमको जहाँ तक लगता है ये सारा इसमें लाइट लगाया जाएगा। सोचिए क्या नज़ारा होगा ये जब पूरी लाइट जलेंगी और सारा इसका इफेक्ट दीवारों पर पड़ेगा तो क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। एक दिन आया था संडे को, मैं रात का वीडियो बनाया था, बट उस दिन देखिए किस्मत भी मेरी कि उस दिन ये लाइट्स पूरी नहीं जली थी, अंदर की लाइट जली थी लेकिन बाहर की लाइट नहीं जली थी। तो इसका भी कुछ समझ नहीं आता है कि इस दिन जलेगा किस दिन नहीं जलेगा। और देखिए यहाँ पे भी ललिता घाट पे भी काम चल रहा है। ये जो पोल आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ये पोल इसलिए लगाए गए हैं कि जो पत्थरें पुरानी हैं तो इन पत्थरों को सही तरीके से रगड़ रगड़ के साफ किया जा रहा है और सुंदर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 21 जून घाट पर योग जनपद वाराणसी। तो अब जो ललिता घाट पे जो बदलाव या जो चेंजेज हुए हैं एक बार उसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं, बने रहिए, देखते रहिए, बताइएगा जरूर। तो किनारे किनारे इन पत्थरों को लगाया गया है और ये पत्थर पहले नहीं थे, मतलब बदलाव ये ललिता घाट पे आप देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हाँ ललिता घाट पे ये जो पत्थर लगाए जा रहे हैं ये आपका नया लगाया जा रहा है। और जैसा कि बताऊं जब गंगा जी का पानी का लेवल बढ़ता है तो हमेशा हर साल पानी सीढ़ियों तक लबालब भर जाता है,
तो यहाँ पे जो ये वाला आपको जगह दिख रहा है, ये वाला आपको जगह जो दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो ये पूरा मट्टी, इसमें एकदम मट्टी भरा हुआ था। रीज़न ये होता है ना कि बालू, जब पानी आता है तो बालू को लेकर आता है, तो पानी तो वापस लौट जाता है लेकिन बालू जो होता है इसमें दबा का दबा रह जाता है मित्रों। तो आइए थोड़ा सा एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं, उधर का तो एकदम पूरा एकदम जो ये वाला पोर्शन है पूरा एकदम क्लियर हो गया है, बट इधर मैं 3 से 4 दिन बाद आया हूँ तो इधर का एक बार देखते हैं नज़ारा। तो ये आप देख सकते हैं इधर भी साफ सुथरा हो गया है और अच्छा लग रहा है। और बात करूं तो देखिए ऊपर साइड में भी देखिए पत्थरे नई नई लगाई गई हैं, नई नई पत्थरे जोड़ी गई हैं, और देखिए ऊपर ये पोल लगाया गया है, गुंबद देखिए जर्जर हो गया है, और ऊपर ये देखिए जो पत्थर है वो गुंबद के ऊपर साइड, पत्थर के ऊपर साइड में जो गुंबद है वो देखिए फटा फटा से है, मतलब ये स्क्रैच उसमें हुआ है, तो उसको भी थोड़ा उसका देख रेख किया जा रहा है जो कि अच्छी बात है और देख रेख होना भी चाहिए। तो मित्रों आज के इतना ही, जैसा भी मेरा वीडियो लगा हो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें, जानवरों को प्यार दे, सम्मान दे, इज्जत दे, क्योंकि आपको चोट लगेगा तो अपने आप माँ बाप से तो बता सकोगे, लेकिन जो जानवरों को लगता है चोट तो वो कई दिन वह पीड़ा सहन करनी पड़ती है और वो किसी से बता नहीं पाते। तो जानवरों को प्यार करें, सम्मान दें।